ताज नगरी आगरा में थाना मलपुरा क्षेत्र के दक्षिणी बाईपास पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों द्वारा काटने के लिए ले जाए जा रहे गौवंश को कंटेनर से मुक्त कराया। इस दौरान सूचना देने पर भी ना पहुंची मलपुरा पुलिस से आक्रोशित हिंदूवादियों ने सड़क पर ही जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुक्त गायों को गौशाला भिजवाया और कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवेश प्रवक्ता संजय जाट को सूचना मिली थी कि मलपुरा थाना क्षेत्र के एक गाड़ी में गौवंशों को कट्टी खाने से ले जाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ घेराबंदी की और मलपुरा के गांव करारा के पास गौवंशों से भरी आयसर गाड़ी को पकड़ लिया। इस दौरान गौकश गाड़ी से कूद कर फरार हो गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गाड़ी के शीशे आदि तोड़ दिए। संजय जाट ने बताया कि शहर में अन्य जिलों और प्रदेशों से लगातार गौवंशों को आगरा लाकर वध किया जा रहा है। पुलिस की नाक के नीचे से यह तस्करी हो रही है, पर पुलिस शायद उन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती है। शनिवार को हमने पुलिस का काम किया, 112 नंबर पर सूचना दी और फिर भी थाना पुलिस घंटों नहीं आई। इसके बाद जब गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आगरा मलपुरा रोड पर जाम लगाया तो पुलिस आई और गौवंशों को सिकंदरा बाईपुर गौशाला भेज मुकदमा दर्ज कर रही है। देखिए, आगरा के अंदर शुरू से ही गौकशी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगरा एक बहुत बड़ी मंडी है। ये बात हम कई बार प्रशासन को बता चुके हैं। कई थानों में हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार मुकदमे समय समय पर दर्ज कराए जाते रहे हैं। उसी कड़ी में कल हम लोगों को सूचना मिली कि एक आयसर गाड़ी जिसमें गाय भर के काटने के लिए कहीं आगरा से बाहर जाएगी, तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता ब्रजेश भदौरिया जी, अंकित चौहान जी, मनीष जी, विशाल जी सबके साथ संयुक्त रूप से एक टीम बनाई और रात्रि 2:30 बजे से जो दक्षिण बाईपास है वहाँ से ये हम लोगों ने चेकिंग इसका देखने के लिए खड़े हो गए। एक आयसर गाड़ी जो हमें पता चला कि इसमें गाय भरी है, हमने लगातार उसके पीछा किया। 10 किलोमीटर तक गाड़ी को उन्होंने स्पीड से भगाया, हमारी गाड़ी लगातार पीछे रही। तब आगे आकर हम लोगों ने एक गाड़ी को रोका जिसमें 18 गाय बुरी तरीके से ठूस ठूस कर भरी हुई थी। और बड़े शर्म की बात है कि 112 पर डायल करने के बाद जो भी पुलिस आने में देरी करी और थाना पुलिस तुरंत मौके पर भी आई और मौके पर आने के बाद उसमें जो गौ तस्कर थे वो चलती गाड़ी से फिल्मी स्टाइल में कूद के भग गए, लेकिन गायों को हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं ने मुक्त करा लिया। हम प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि इस पर एक ठोस कार्रवाई करें SSP साहब, क्योंकि लगातार आगरा मंडी बन रहा है, लगातार ज्ञापन, लगातार मुकदमे लिखाने के बावजूद भी इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हमने थाना मलपुरा में तहरीर दी है और गायों को मुकदमा लिखवाने के बाद पुलिस ने सिकंदरा बाईपुर गौशाला भेज दिया गया है। जय श्री राम। देर रात हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सटीक सूचना पर जान जोखिम में डालकर काटने के लिए ले जाई जा रही गौवंशों से भरे कंटेनर का पीछा कर उसे पकड़ लिया। गाड़ी चला रहे गौकश फिल्मी स्टाइल में चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गए। घटना की सूचना के घंटों बाद भी थाना पुलिस के ना पहुंचने पर हिंदूवादियों ने सड़क जाम कर दी। तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की। पुलिस के रवैये से हिंदूवादियों में आक्रोश व्याप्त है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।